तो सिमिलैरिटी में फर्स्ट दिया है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, सपोज एक ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल ए बी सी दिया है, ट्रायंगल ए बी सी है, और सपोज ए से परपेंडिकुलर डाला बेस बी सी के ऊपर, ए डी परपेंडिकुलर है तो बी सी क्या है, बेस है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस क्या है इसमें बी सी है और हाइट क्या है ए डी। आया समझ में, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट। आया क्या समझ में। उसके बाद देखो नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। फर्स्ट जो कंसेप्ट दिया है क्या दिया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स देखो क्या रहता है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की वो क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। सपोज दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल क्या है ए बी सी है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल में हाइट कौन सा है ए डी, और सेकेंड ट्रायंगल में हाइट कौन सा है पी एस डी है, है ना। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेना है हमें, तो क्या लेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है इसमें बी सी है, हाइट क्या है ए डी, और सेकेंड ट्रायंगल जो पी क्यू आर है उसमें बेस क्या है क्यू आर और हाइट है पी एस, तो इसमें हाफ और हाफ कटेगा, तो सिर्फ आपका आंसर क्या आएगा बेस इंटू हाइट, और सेकेंड ट्रायंगल का भी क्या आएगा बेस इंटू हाइट। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो उसकी प्रॉपर्टी दिया है उन्होंने, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। आवाज खूब कमी है सर। हेलो हेलो, अभी आ रहा है क्या आवाज, हेलो नहीं सर, खूब खूब कमी है तो आवाज, अभी आ रहा है क्या आवाज, हेलो और दूसरा ट्रायंगल क्या दिया है, दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ पी क्यू आर है ना, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर है, तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या हाइट इक्वल है, एंड सपोज एडी हाइट फर्स्ट ट्रायंगल का, सेकंड ट्रायंगल का सपोज पीएस हाइट, ये दोनों हाइट है ना एडी और पीएस इक्वल रहेगा, तो दो ट्रायंगल का रेशियो किसके करस्पोंडिंग रहेगा, सिर्फ बेस आएगा, किसके करस्पोंडिंग आएगा बेस के करस्पोंडिंग, है ना। तो आप कैसे लिख सकते फॉर्मूला उसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें क्या इक्वल है हाइट इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, उसका रेशियो क्या रहेगा करस्पोंडिंग बेसिस, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस क्या है बी सी, सेकेंड ट्रायंगल का बेस क्या है क्यू आर, इतना ही आएगा क्यू आर। क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि जो हाइट है हाइट कौन सा हाइट ए डी और पी एस हाइट क्या है इक्वल है। आएगा समझ में, तो सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, ये वाला सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो और उसका फॉर्मूला भी लिखो। तो सेकेंड प्रॉपर्टी और उसका फॉर्मूला लिखो, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी, अभी थर्ड प्रॉपर्टी में हम एज्यूम करेंगे कि बेस इक्वल, दोनों ट्रायंगल का क्या है बेस इक्वल, बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल रहेगा तो करस्पोंडिंग टू हाइट आएगा। तो देखो प्रॉपर्टी थर्ड, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस
इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट आएगा. सपोज दो ट्रायंगल है, सपोज दो ट्रायंगल निकालता, एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें हाइट है एडी, और एक ट्रायंगल है सपोज पी क्यू आर ट्रायंगल निकालता, पी क्यू आर, उसमें हाइट है पी एस लेता, पर इसमें क्या दिया है बेस इक्वल है, यानी कि बी सी और क्यू आर बेस इक्वल है. बेस इक्वल रहेगा तो दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या आएगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस. हाँ, करस्पॉन्डिंग टू क्या आएगा, हाइट आएगा, यानी कि AD upon PS आएगा. आया समझ में? हाँ. तो इसको लिखो नेक्स्ट वर्ड. ट्रायंगल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN दिया है, और दूसरा ट्रायंगल DMN. आप ही बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN में बेस कौन सा है, MN है ना, MN कौन सा है? हाँ. MN, और हाइट कौन सा है, LP. हाइट LP. LP. और एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN में बेस कौन सा है, MN. और हाइट कौन सा है, डी क्यू है ना, डी क्यू. डी क्यू तो आपका आंसर क्या आएगा, एमएन एमएन कट जाएगा. हाँ, तो आपका आंसर आएगा एलपी अपॉन डी क्यू आ जाएगा. आया समझ में? हाँ. चलो इतना लिखो फिर नेक्स्ट बता. नेक्स्ट पॉइंट दिया है, एम इज द मिड पॉइंट दिया है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, और सेगमेंट सी एम इज अ मीडियन दिया है ना. तो अभी देखो इसमें यम सी एम मीडियन है, तो यम क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए बी का. अभी अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी दिया है, ए एम सी यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरा जो ट्रायंगल बी एम सी है, बी एम सी ये क्या है, अबट्यूस एंगल ट्रायंगल है. तो हम क्या कर सकते हैं, जब ऐसा सी एम कुछ तो मीडियन रहेगा, क्या सी एम ए कुछ तो मीडियन रहेगा और एम मिड पॉइंट रहेगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, जब मीडियन ऐसा रहेगा, सी एम इज मीडियन रहेगा, एम इज मिड पॉइंट रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल का रेशियो करस्पॉन्डिंग टू, यानी कि इस ट्रायंगल में क्या एक्चुअली हाइट इक्वल है वो दिखाया नहीं, तो हमने कैसे अज्यूम किया हाइट इक्वल है, क्योंकि सी एम क्या दिया है, मीडियन दिया है, एम इज मिड पॉइंट दिया है, ऐसा कंसेप्ट रहेगा तो आपको क्या अज्यूम करना है, दोनों ट्रायंगल में हाइट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. हाइट इक्वल रहेगा तो हम क्या लेंगे आंसर उसका, करस्पॉन्डिंग टू बेसेस, यानी कि ए एम सी ट्रायंगल में बेस क्या आएगा, ए एम आएगा, और बी एम सी ट्रायंगल में बेस क्या आएगा, बी एम आएगा ना, ए एम अपॉन बी एम आएगा, पर ए एम अपॉन एम मिड पॉइंट है तो एम और बी एम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे ना, एम मिड पॉइंट है तो एम और बी एम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, एम और बी एम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर एम लिखता हूँ, नीचे भी एम लिखता हूँ, दोनों एम एम कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा वन. आया समझ में? हाँ. चलो सर, मीडियन तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है इधर, फर्स्ट क्योंकि हमें बेस और हाइट दिया, और बेस और हाइट दिया है ना दोनों ट्रायंगल का. तो हम क्या लिखेंगे इधर, रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. फर्स्ट ट्रायंगल का बेस दिया 9 और हाइट दिया 5, इनटू करो 9 × 5. सेकेंड ट्रायंगल का बेस दिया है 10 और हाइट दिया 6, 10 × 6 करो, 9 × 5 जा कितना 45 अपॉन 60 आएगा ना, तो 5 से डिवाइड करो, 5 × 9 = 45, 5 × 5 = 10, फिर 3 से करो, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो आपका रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स कितना आएगा, 3/4 आएगा. आया समझ में? चलो इसको लिखो फिर नेक्स्ट. देखो दोनों ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या दिया है, जो बी सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, और दूसरा जो ट्रायंगल
दिया है एडीबी, उसमें क्या है एडी परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर एबी के ऊपर ही है ना, यानी कि बेस इक्वल है, आएगी समझ में? तो बेस इक्वल रहेगा तो आंसर क्या आएगा, दोनों ट्रायंगल सब बेस एबी का, हाँ ये एबी है ना, ऑब्जर्व किया क्या आपने? एबी है ना, यानी कि बीसीबी और एडीबी परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर है एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है, है ना? हाँ. तो बेस इक्वल रहेगा, दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या आएगा करस्पोंडिंग टू क्या आएगा हाइट, एबीसी में हाइट है बीसी और एडी में एडीबी में हाइट है एडी, और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन आपको क्या लिखना है इक्वल हाइट इक्वल बेस, क्या रीजन लिखेंगे इक्वल बेस, क्या लिखना है इक्वल बेस, रीजन लिखो इक्वल बेस लिखना है, फिर बीसी की वैल्यू कितना 4, एडी की वैल्यू कितना 8, है ना, 4 1 4 4 2 8, आपका आंसर कितना आएगा दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो 1/2, आया समझ में? हाँ, सॉल्व करो इसको फिर नेक्स्ट क्लास। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें क्या दिया है पी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, पी एस परपेंडिकुलर है किसके ऊपर आर क्यू के ऊपर, और क्यू टी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर पी आर के ऊपर, आर क्यू दिया है 6, आर क्यू कितना दिया है 6 दिया है, पी एस दिया है 6 दिया है, पी एस भी 6 दिया है, उसके बाद पी आर 12 दिया है, पी आर 12 दिया है, ये पूरा पी आर कितना दिया है 12 दिया है, और उसके बाद क्यू टी निकालना है, क्या निकालना है हमें क्यू टी निकालना है ना, क्यू टी निकालना है, तो हम क्या करेंगे दो ट्रायंगल का रेशियो, देखो अभी एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, कौन सा पी क्यू आर, ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है ना, ये पूरा ये देखो ये पी क्यू आर है पूरा, क्या है ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, तो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल को हम क्या करते हैं बाहर से परपेंडिकुलर निकालते हैं, इधर बाहर से परपेंडिकुलर निकाला है, इनकी पी एस परपेंडिकुलर किसके ऊपर है आर क्यू के ऊपर है, आएगा समझ में? पीएस आर क्यू सर मंजे कसो पीएस देखो ना इधर पीएस नीचे है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर आर क्यू ऐसा ये आगे एक्सटेंड कर सकते आर क्यू आगे 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 एक्सटेंड कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ सीधा फॉर्मूला यूज करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो फॉर्मुलाइज करो, हाफ इंटू बेस कितना है आर क्यू है ना, और हाइट कितना है क्यू, हाँ, 6 है हाइट पे पी एस है, तो आर क्यू कितना पी एस है, हाँ तो हाफ इंटू 6 × 6 इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 = 6 तो 18 स्क्वायर यूनिट आएगा, आंसर क्या आएगा 18 स्क्वायर यूनिट, आएगा समझ में? एरिया निकाला ना, एरिया किसका निकाला, एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया आ गया 18 स्क्वायर यूनिट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे देखो, फिर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू पीक्यूआर हाफ इनटू बेस, अभी बेस क्या करो ट्रायंगल को टेढ़ा किया तो बेस और एक आ सकता है ना, ये आ सकता है ना पीआर बेस, है ना, पीआर बेस आ सकता है, और हाइट उसमें अंदर ट्रायंगल के अंदर हाइट क्या है क्यू टी आ सकता है, हाँ ना, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, आएगा समझ में? पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमने फर्स्ट स्टेप में 18 निकाला, 18 डालो हाफ इनटू पी आर कितना है 12 दिया, और क्यू टी निकालना है ना, अभी क्या करो 2 × 6 = 12 और फिर 18 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6 और QT कितना आएगा, QT आएगा 3 units, 3 QT कितना है 3 units आएगा, आया समझ में? 3 QT का आंसर आएगा 3, आया ना, चलो इसको लिख के लेना, स्टेप 1 स्टेप 2 लिख।
इन द एडजोइनिंग फिगर एपी परपेंडिकुलर टू बीसी दिया है, ये जो एपी है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर, ए बीसी को परपेंडिकुलर है, और एडी और बीसी पैरेलल है, एडी और बीसी क्या दिया है हमें, पैरेलल दिया है ना, एडी किसको पैरेलल है, बीसी को पैरेलल है, हाँ। तो अभी हमें किसका रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ